पाकिजा नेमो फल्ला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पाकिजा बतूल और आप देख रहे हैं पाकिजा की जन्नत। सो पाकिजा की यूट्यूब फैमिली को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू, और स्पेशली उन दो लिटिल प्रिंसेस को जो हमारी वीडियोस बहुत ज्यादा शौक से देखती हैं, आयरा और जहरा। आप दोनों को भी हमारी तरफ से बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच हमें इतना ज्यादा प्यार करने के लिए और हमारी वीडियोस को पसंद करने के लिए। और आप दोनों भी कुछ कहना चाहेंगे? और अगर मैं इस मौके पे इन दोनों को ईदी सेंड करूं तो कैसा लगेगा? लेकिन तो मजा ना, तो ईदी भी है। हाँ जी, ये वाली ईद ईदी वाली ईद नहीं है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम इन दोनों प्रिंसेस को अपनी तरफ से कुछ ईद भेजें। ठीक है, भेज दूँ? अच्छा जी, तो हम इन दोनों के लिए गिव अवे करेंगे, इन दोनों को हम गिफ्ट भेजेंगे, लेकिन उसके लिए इनको एक छोटा सा टास्क करना पड़ेगा। और वो टास्क ये है कि आपको हमारी चैनल की एटलीस्ट कोई सी भी 50 वीडियोस को कंप्लीट वॉच करना होगा विदाउट स्किप, और उनको लाइक करना होगा और उन पे प्यार प्यार से कमेंट्स करने होंगे। सो जैसे ही आप दोनों ये टास्क कंप्लीट करेंगी, देन आई विल सेंड यू अ गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम पाकिजा की जन्नत। सो बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू। और आपने नीचे आपको रेड बटन दिख रहा होगा, उसको तो दे देना। चलिए जी, हमने आयरा और जारा को तो उनका टास्क दे दिया, और हम देखते हैं कि वो ये टास्क कितनी देर में कंप्लीट करती हैं। जैसे ही वो ये टास्क कंप्लीट करेंगी, हम उनको गिफ्ट सेंड करेंगे, और आई होप सो कि उनको ये गिफ्ट बहुत पसंद आएंगे। चलें, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप करते हैं, क्योंकि अब हमने जाना है दावत पे, और फिर वहां से आने के बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय। हाँ जी, फिर बकरा ज़िबा होने लगा। हनान भैया, हनान भैया रो क्यों रही है? इधर देखिए, प्यार हो गया बकरे से। रो क्यों रही है मेरा बच्चा? मीना हो गया है। तो यही तो कुर्बानी होती है। इधर हनान फिजान बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, इनफैक्ट इन्होंने रोना शुरू कर दिया था। इतने दिन रहना हमारे पास, इसलिए ऐसे बच्चे कर रहे हैं। आप भी रो रहे हैं, अच्छी ना भी रो रहे फिजान। इसके साथ खेलते रहे, थोड़ा लवानी है। चले मेरा बच्चा, रोना बंद करें। यहाँ पे जी सब इनको समझाने में लगे हुए हैं कि ये कुर्बानी का जानवर है, कुर्बानी के लिए आया था, तो अब कुर्बानी तो इसकी हमने करनी ही है। बच्चों को प्यार है। हाँ जी। सो फाइनली वो टाइम आ ही गया जिस टाइम का डर सभी बच्चों को होता है, वो नहीं चाहते कि उनका जानवर कुर्बान हो। एक्चुअली में बच्चों ने इसके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया, ऑलमोस्ट 20 डेज वो इनके साथ रहा। जैसे ही इनको स्कूल से छुट्टियां हुई थी, एग्जैक्ट उसके नेक्स्ट डे ये जाके अपना बकरा ले आए थे। इतना टाइम कसाईयों को बकरा जिबा करने में नहीं लगा जितना टाइम हमें इनको मनाने में लग गया कि ये कुर्बानी का जानवर है, तो हमने इसको कुर्बान करना ही है। हनान भैया आए, मेरा बच्चा रो क्यों रही है आप? ना रोए, यहाँ पे जी इन्होंने रो रो के अपने बकरे पे तकबीर पड़ी और उसको जिबा किया, लेकिन मैं YouTube की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उसको कुर्बान करते हुए की वीडियो क्लिप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकती। यहाँ पे जी बकरा कुर्बान हो चुका था, तो बस मैंने जल्दी से सभी मसालों को इकट्ठा प्रेस्टो में डाल के वेट लगा दी और गोश्त को पानी में भिगो के रख दिया। तो बस अब चलते हैं बाहर। हाँ जी, कैसा लग रहा फिर? अच्छा लग रहा। हनान भी आपको कैसा लग रहा? इधर देखें, कैसा लग रहा आपको? बुरा लग रहा है? कुर्बान होते हुए बुरा लग रहा है। आपको उससे प्यार हो गया था? इधर जी मेरे बाबा सुपरविजन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि गोश्त किस तरह का बन रहा है, और उसको कह रहे हैं कि इस तरह नहीं, इसको इस तरह से करो। और बच्चे तो बहुत ज्यादा सैड हैं अभी भी, उनका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा बात करने को। और मैं अब देखूंगी जी खाना कहाँ तक पहुंचा है, क्योंकि खाने का टाइम है और सबने ही खाना खाना है। भैया जान इधर भी मैं इनको यही कह रही थी कि कुछ तो बोलें, कुछ तो अपना रिव्यू दें, कुछ तो वीडियो बनाएं, लेकिन वो यही कह रहे थे नहीं, हमने आपसे बात नहीं करनी, आपने हमारे शिप्पू को जिबा करवा दिया। और साथ ही कसाई अंकल का इंटरव्यू ले रहे थे कि अंकल आपको बुरा नहीं लगता, आप इतने बकरों को जिबा करते हैं, आपको ये काम अच्छा लगता है? वो कह रहे थे बेटा ये तो मेरा काम है।
इधर जी बस जल्दी से मैं बना रही थी शोरबा और मसाला इसका हो चुका था और गोश्त को मैंने अभी तक पानी में भिगो के रखा हुआ है। और इधर जी मैं आप सबको बहुत ही अच्छी टिप देना चाहूंगी, स्पेशली उन लोगों को जो कि कुर्बानी का गोश्त शौक से नहीं खाते क्योंकि उनको स्मेल आती है। स्मेल सिर्फ इस वजह से आती है क्योंकि इसका काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहा होता है। इधर से जानवर जिबा किया और इधर से उसका गोश्त बनाना शुरू कर दिया। उसके गोश्त को स्टेबल होने का टाइम ही नहीं दिया जाता, तो बस यही वजह होती है गोश्त से स्मेल आने की। लेकिन अगर आप गोश्त को भिगो के रखेंगे एटलीस्ट 30 मिनट के लिए और बार बार उसका पानी 5 से 6 बार 5-5 मिनट के बाद रिंस आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि गोश्त से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इधर जी बाहर से सभी इस टाइप की चीजें आ गई थी जैसे कलेजी, दिल वगैरह, तो मैंने इन सबको अलग अलग से प्लास्टिक के बैग में डाल के ऊपर उस चीज का नाम लिख के रख दिया ताकि पता हो कि किस किस को क्या क्या चीज देनी है और किस लिफाफे के अंदर कौन सी चीज है। तो इन चीजों के नाम लिखे गए हैं। अब हम देखते हैं बाहर। और उस दिन मेरे अंदर बाहर के चक्कर इतने ज्यादा लगे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे जी वही हुआ जिसका डर था। ईद वाले दिन भी इन्होंने हमें नहीं बख्शा। ईद वाले दिन भी गैस चली गई और मुझे सिलेंडर पे सारा काम करना पड़ा। और सिलेंडर पे काम करना इतना मुश्किल लगता है, डबल से ट्रिपल टाइम लगता है आपको खाना बनाने में उस पर। और जी क्या कहूँ, जितनी जल्दी मैंने खाना बनाने की लेकिन इस सिलेंडर की वजह से फिर मुझे टाइम लग गया। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि ईद वाले दिन भी गैस जाएगी, लेकिन क्या कह सकते हैं, ये पाकिस्तान है, इधर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अफनान ने हनान भैया को अपने साथ लगाया पैकेट्स बनाने के लिए और साथ ही साथ उसको समझा रहे थे कि बेटा आपके सैड होने से या मूड बनाने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ अल्लाह पाक नाराज होंगे। वो कुर्बानी का जानवर था, हमने उसको ज़िबा करना ही था, तो अगर आप सैड होंगे या मूड बनाएंगे तो अल्लाह पाक नाराज होंगे। तो बस फिर उसको अपने बाबा की कुछ कुछ बातें समझ आई, फिर उनके साथ मिलके उसने पैकेट्स भी बनाए और खुशी खुशी जाके नेबर्स में भी बांटे, अपने फ्रेंड्स को भी दिए। क्योंकि यही एज होती है बच्चे को कुछ समझाने सिखाने की, बस कोशिश किया करें कि हर बात उनको प्यार से समझाएं। सख्ती से बच्चे से बात करना सिखाना हर बात का हल नहीं होता, कभी कभी वो बात उल्टी भी हो जाती है। इस वजह से पहले कोशिश करें कि प्यार से समझाएं। हाँ, जहाँ पे सख्ती की जरूरत है वहाँ पे सख्ती भी करें। इधर जी मैं भी जल्दी जल्दी से गोश्त के पैकेट्स बना रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी और हमें यही था कि जितनी जल्दी हो सके इसके पैकेट्स बना के हमने जिस जिसको देने हैं उसको जल्दी से दे के फ्री हो जाएं। क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका था, तो बस मैं अफनान से यही कह रही थी कि जल्दी से इसके पैकेट्स बना के तो बांटने की करें, वरना ये सब हम रखेंगे किधर। बस जी यही कोशिश होती है कि जल्दी से पैकेट्स बना के तो जिस जिसका हिस्सा उसको फौरन से दे दें, वरना फिर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी ये तबरक होता है, तो बस यही कोशिश होती है कि जितने ज्यादा लोगों के मुंह में जाए उतनी अच्छी बात है। तो जैसे ही पैकेट्स बने हमने वैसे ही बांटने शुरू कर दिए। मैं इनको साथ साथ दे रही थी कि जाके नेबर्स में देख के आओ, और ये भी खुशी खुशी जाके सबको देख के आ रहे थे। कुर्बानी का जो सबसे मजे का काम है वो सिर्फ इनको यही लगा, गोश्त बांटना। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? रमजान पे ना उसकी याद आती है तो ना हमने ना इसको ना पूरा साल संभाल के रखना है, फिर जब हमारा अगला बकरा आएगा फिर हम उसको ये चीजें पहनाएंगे। ठीक है। और ये बैग, ये उसकी ज्वेलरी है? यस, चीजें। ये क्या कर रहे हैं? चुपा कर रहे हैं? क्यों इतने जेम्स हैं इसके साथ? बकरे को भी चुमा करते रहते हैं। चलें अब आप दोनों भी जाएं और शावर लें और नीट एंड क्लीन हो। ठीक है, चलें वीडियो का एंड करें। ये तो अभी हम बाहर खाना खाने जाते हैं, लेकिन पहले आप लोग नहाएं, चेंज करें, उसके बाद हम खाना खाने के लिए जाते हैं। वीडियो का एंड करें। अगर आपको हमारी ये दो चीजें मैं संभाल रही हूँ। ठीक है, चले वीडियो का एंड करें ना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फी मानिल्ला। इधर जी मुझे हनान कह रहा था कि मामा जान अभी आप वीडियो का एंड नहीं करें, बल्कि इसके आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे जब हम बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए। लेकिन मैंने उसको कहा कि नहीं बेटा, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैं यहाँ पे ही उसका एंड कर देती हूँ। क्योंकि ये उस टाइम पे वैसे ही बहुत सैड थे कि नहीं ये हमने नहीं खाना, ये हमारे शिपू का गोश्त है, तो बस कामों से फारिग होकर फिर इनको बाहर जाके ही खिलाया। वैसे ही हमारी वीडियो कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं हो गई? आप रोए क्यों थे? पूरा साल उसकी याद आएगी। कोई बात नहीं, नया बकरा आ जाएगा, वो तो साल बाद आएगा। फैजान आप भी सैड हैं? क्यों? वो तो याद आती है।
तो आज पाकीज़ा की YouTube फैमिली को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा ईद मुबारक। आप लोग भी साथ कहना ना, ईद मुबारक। जब मैं कहूंगी फिर ईद मुबारक। और वो जैसे ही आप दोनों ये टास्क कंप्लीट करेंगी देन आई विल सेंड यू अ गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम पाकीज़ा की जन्नत। सो बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू। आप दोनों को भी हमारी तरफ से बहुत ईद मुबारक।